कल आप एफ आई आर लॉन्च करवाने जा रहे हैं? सर मैं दो दिन से जा रहा हूँ, कल भी मैंने कच्ची पर्ची तो कटवा दी थी, तो थाने ने मुझे जो है वो एक वो लिख के दिया था मेडिकल के लिए, मैंने करवा लिया है और उम्मीद है कि मैं आज जाके एफ आई आर लॉन्च करवाऊँगा। एक तो एफ आई आर ये होगी कि उन्होंने जान से मारने की कोशिश की, और यकीन करें मैं बहुत मुश्किल से एक तो वहाँ बचा, दूसरा मैं छूट गया ट्रक के नीचे, वरना तो ये लोग तो गोली मार देंगे तो चाकू मार देंगे, वो तो मैं बच गया। तो फिर खैर मीडिया मीडिया वाले आ गए तो और भी लोग आ गए, तो वहाँ से भी जान बच गई ना, मतलब कोई इन्होंने मारने की कसर नहीं छोड़ी थी। एक तो उन्होंने जान से मारने की कोशिश की, दूसरा उनके लोगों ने हमारा पूरा घर लूट लिया, हम घर की चाबी ले गए, ठीक है, मेरे पैसे ले गए, मेरे दोनों मोबाइल ले गए, मेरी वालदा की ज्वेलरी ले गए, मेरी बहन का पर्स ले गए। ये काम क्या चीज़ें थी ना, मैं आपको किस बात का गुस्सा था कि आपको बताया नहीं गया था? आपको अगर नहीं बताया गया था तो मैंने कहा आप अपनी बहन से पूछ लें, अपने घर वालों से पूछ लें कि वो उनकी जिम्मेदारी ना, हमने तो कह दिया आपको। अब उन्होंने वल्ला आलम क्या किया क्या नहीं किया, किस इस ये कैसा गुस्सा होता है कि आप जो है ना अपनी तकरीर में 50,000 लोग लेके आए और एक बंदे को कपड़े उतार दें और उसको रोड पर घुमाएं, ये तो कहाँ की इंसानियत है, कौन से कागज में लिखा है, तो खुद ही फैसला कर रहे हैं आप। पहली वाइफ का जो है वो आप खुला देना चाह रहे थे? पहली वाइफ से अलहदगी हो चुकी थी। सेकंड सेकंड तो कुछ नहीं, सेकंड दो ही वाइफ, तो दो ही सेकंड है, थर्ड वर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। जो थर्ड जो हुई है वो नॉर्मली रिसेप्शन की तकलीफ थी उसकी ना, और वो तो अभी तक उनसे मेरा रबता ही नहीं है, ये लोग अपने घर ले गए और जाके उसका बस पता नहीं वल्ला आलम क्या किया। अच्छा फिर रबता नहीं हुआ? रबता नहीं हुआ मेरा। अच्छा शादी सेकंड थी? ये सेकंड थी ना। दूसरा ये है कि वो जो पहली वाली थी उनसे सेपरेशन भी हो चुकी थी, और मेरे वकील ने पेपर सारे बना लिए थे, और इंशाल्लाह हम उनको पेपर भिजवा भी देंगे। ठीक थैंक यू।